हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके लिए आज के दिन मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आप दोनों के मैसेजेस, आपके सवाल उनके जवाब, आपके सवालों के जवाब हम देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। तो हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी राइट साइड में, आपके पर्सन की लेफ्ट साइड में। ठीक है, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सो गाइस, ये जो साइड है ये आपकी है, ये आपके पर्सन की है। इस साइड से हम लेंगे आपके सवालों के जवाब। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या हैं आपके। पहला सवाल तो आपके मन में ये है कि आप इनसे इतना प्यार करते हैं, आप इनको इतना मिस करते हैं, आप 24 घंटे इनके बारे में सोचते हैं। आपका सवाल ये है कि क्या ये भी मुझे ऐसे ही सोचते हैं, क्या ये भी मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, ऐसे ही याद करते हैं, क्या इन्हें मेरी याद आती है या नहीं आती, ये आपका सवाल है। इसके जवाब में आपके पर्सन का जो जवाब है वो ये है कि ये कभी आपको भूलते ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें ये बिज़ी रहते हैं, लेकिन ये कभी आपको भूलते नहीं हैं। आप हमेशा इनके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हो या रहती हो। इस जवाब को सुनने के बाद आप थोड़े से कन्फ्यूज हैं, आपको ऐसा लगता है पता नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली इनके उस जवाब से। आप चाहते थे कि आपकी तारीफ़ें करें, ये बताएं, आपको कुछ एक्सप्लेन करें सिचुएशन, बट इन्होंने बस एक लाइन बोल दिया, आपको तसल्ली नहीं मिली इस जवाब से। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको अभी भी अटका हुआ ही फील हो रहा है कि यार सिर्फ मेरी तरफ से, इसकी तरफ से कुछ नहीं है। तो जब आपको ऐसा फील हो रहा है तब आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि आपको बुरा लगा है क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, आप चुप हो गए, साइलेंट हो गए। तब इन्हें लग रहा है कि आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका मुंह फूला हुआ है। सो अब ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब देखते हैं आपकी एनर्जी। नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी बैटरी चार्ज हुई है, थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी आई है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लो। आपको ऐसा लग रहा है इतना बोलने के बाद तो ये दो लाइन निकला इनके मुंह से, ये वाली वाइब्स है। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पर आपके पर्सन अब शांत हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सप्रेस करो, बहुत ज़्यादा प्यार मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ही इनसे एक्सपेक्ट करने लगो और ये ना पूरी कर पाए आपकी एक्सपेक्टेशंस। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ी देर ऑफलाइन हो जाओ, जैसे ही ऑफलाइन होंगे आप पूछेंगे बस हो गया, भाग गए, तब ये वापस आएंगे। मतलब इनको अपनी जो एनर्जी है वो हमेशा एटीट्यूड में ही रहना है और ये चाहते हैं कि आप हमेशा इन्हें बुलाएं अपने पास। तो ये थोड़ा सा ऑफलाइन होने वाली एनर्जी में है कि पल्ले नहीं पड़ रही, क्या बोलूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो भाग जाओ, तो ये भागने वाली वाइब्स में है। आपके मन में ये भी सवाल है कि आखिर ये क्लैरिटी क्यों नहीं देते, ये इतने कम टाइम के लिए क्यों बातचीत करते हैं, ये भी आपके मन में एक सवाल है कि अगर मेरे पास आते हो तो मुझे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा दो, अच्छे से मेरे से बातचीत करो, भागना क्यों रहता है। इसके जवाब में आपके पर्सन झगड़ा कर रहे हैं आपसे किसी बात पर कि तुम्हें तो प्रॉब्लम ही रहती है, तुम हमेशा शक करती रहती हो या करते रहते हो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है या मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है या मैं बिज़ी हूँ काम में था, बेफिजूल की बातें करती हो या करते हो, ये बरस रहे हैं आपके ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ईगोइस्टिक है, इससे तो बात करना ही बेकार है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करा मैंने, आप भी इस समय मुंह फुलाकर बैठे हो, आप भी अब ज़्यादा बात नहीं, ठीक है तुमको नहीं पसंद मैं बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अब ये पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने पर सोच विचार कर रहे हैं कि ज़्यादा हो गया लग रहा है डोज़, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज़ किया जाए, तब ये मनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके मन में जो सवाल है वो ये भी है कि आप हर्ट हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये जब भी आते हैं ये आपको तकलीफ़ दे देते हैं, ये आपको हर्ट कर देते हैं, आपको अपनी बातों से हर्ट कर देते हैं, अपने एक्ट से हर्ट कर देते हैं, आपका दिल तोड़ दिया इन्होंने ये सब करके।
इनकी तरफ से है कि ये अब आपको सामने से मैसेजेस कर रहे हैं कि कहाँ हो, आ जाओ, ऑनलाइन आओ, वेट कर रहा हूँ, इस तरह से। तो ये आपको मैसेजेस या कॉल्स कर सकते हैं, या आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं कि मिल लो अच्छे से, आधे घंटे बात करते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही, मतलब ये जब आप दुखी होगे मनाएंगे, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन दुखी ज़रूर करेंगे, दुखी करना छोड़ेंगे नहीं। आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, आपको शक भी होता है इनके ऊपर। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि आपका पर्सन आपका ही रहे, आपकी केयर करे, आपके लिए ऑब्सेस्ड रहे, ऐसा आप चाहते हो। और आपका पर्सन आपको अप्रिशिएट करता भी है। इनकी तरफ से ये आंसर है कि ये आपको सच में ऑब्सेस्ड है आपसे, ये सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये आपकी कुछ तारीफ़ें भी कर सकते हैं इसके जवाब में। लास्ट मैसेज आज के दिन में, वी हैव हैरोफेंट। आपसे नहीं रहा जाएगा, आप इनको ट्रिगर करे बिना नहीं मानोगे, बिकॉज आपने एट लास्ट शादी की बात निकाली दी, आपसे रहा नहीं गया। आपने इनसे पूछ ही दिया कि हमारी शादी कब होगी, क्या हमारे पेरेंट्स मानेंगे। अब इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आपके पर्सन जिस स्पीड से आए थे उससे दुगनी स्पीड से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में अभी ऑब्स्टेकल्स बहुत है, मे बी मदर, मे बी फादर, मे बी अदर सिचुएशंस। ये आपको ये ज़रूर कहेंगे कि ये आपकी केयर करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन कमिटमेंट को लेकर अभी ये कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे। बॉटम ऑफ द डेक से फोर ऑफ वॉन्ड्स है, ये शादी करना ज़रूर चाहते हैं बट सही समय आने पर। आपकी तरफ बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं इनके रिप्लाई से। आप चाहते हैं कि ये जितने पैशन आपको दिखाते हैं, जितना रोमांटिक कन्वर्सेशन करते हैं, उतनी ही स्पीड से ये आपको कमिटमेंट भी दें। आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा पर्सन मुझसे इतना प्यार करता है तो मुझसे दूर कैसे रह लेता है, मैं तो नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो आप इस वजह से इनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हैं। इनका जवाब ये है कि यह शादी आपसे ज़रूर करेंगे लेकिन इट विल टेक टाइम, कोई जल्दी नहीं है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, आपके कुछ मन में जो भी सवाल मुझे दिखे और उसके जो जवाब मुझे मिले, मैंने दोनों ही आपको बताए हैं। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।